तो कमल हसन साहब और एस शंकर की फिल्म हिंदुस्तानी 2 रिलीज हो रही है 12 जुलाई को। नमस्ते इंडिया, हिंदुस्तान इज बैक। इस फिल्म का पहला पार्ट हिंदुस्तानी या इंडियन रिलीज हुई थी 1996 में। तो जो लोग वो पार्ट भूल गए हैं या जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी या जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे 1996 से पहले, बाबा आ गया है आप सभी के लिए ये रीकैप वीडियो लेके ऑफ हिंदुस्तानी फिल्म 1996। ये फिल्म इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी फॉर एकेडमी अवार्ड्स, बोले तो ऑस्कर। नॉमिनेट नहीं हुई पर 3 नेशनल अवार्ड्स मिले इस फिल्म को, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर टू कमल हासन साहब। और जिनको नहीं पता, इस फिल्म के डायरेक्टर और 12th जुलाई को रिलीज होने वाली पार्ट 2 के डायरेक्टर और अगले साल रिलीज होने वाली पार्ट 3 के डायरेक्टर है एस शंकर, जिन्होंने अब तक फिल्में बनाई हैं जैसे अपरिचित, नायक, शिवाजी द बॉस, आई रोबोट, रोबोट 2.0 और भी बहुत सारी। अब जल्दी से इस फिल्म का रिकैप शुरू करते हैं। तो भाई कहानी यह है कि कमल हसन साहब जो है चंदू, जो एक आरटीओ ब्रोकर है, वो लोगों से रिश्वत लेके, ऊपर आरटीओ ऑफिसर्स को रिश्वत देके लोगों का लाइसेंस, परमिट वगैरह सब क्लियर करवाते हैं। चंदू को आरटीओ में एक ब्रेक इंस्पेक्टर बनना है, जिस वजह से वो सपना जो है उर्मिला मातोंडकर उनसे दोस्ती करते हैं क्योंकि उनके डैडी है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी। सपना और उसकी मम्मी चंदू और उनके असिस्टेंट कम फ्रेंड से घर के बहुत सारे काम करवाती है, जैसे घर का पाइप ठीक करना, मार्केट से सामान लाना, घाघरे में नाड़ा डालना, सपना को फैशन शो में हेल्प करना, सपना को जोक सुनाना वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए घर के सारे कामों से लेकर सैनिटरी नैपकिन तक मुझे लाने। अरे यार कुत्ते को भी बाहर ले जाना। चंदू की 2 साल से गर्लफ्रेंड है ऐश्वर्या, जो है मनीषा कोयराला, जो ब्लू क्रॉस में एनिमल एक्टिविस्ट। इन तीनों का लव ट्रायंगल और AR रहमान का म्यूजिक और फेमस गाने जैसे और चंदू के असिस्टेंट जिनका आवाज दिया है लेट लक्ष्मीकांत बेर्डे साहब ने और आरटीओ में एक ऑफिसर जिनका आवाज दिया है जॉनी लीवर भाई ने, उनकी नोक जोक और कॉमेडी पूरी फिल्म चलती रहती है। हिंदुस्तान दादा ने कैसे वाट लगाई है? आपने दिया तो हमने लिया, आपने मांगा इसलिए हमने दिया, आपने दिया तो हमने लिया, आपने मांगा इसलिए हमने दिया, आपने दिया तो हमने लिया। बस इतनी है कहानी। ये तो सब प्लॉट था, मेन प्लॉट तो अब शुरू होता है। तो भाई 70 साल के एक बूढ़े इंसान जिनका नाम है सेनापति, व्हाइट कपड़ों में, व्हाइट बालों में उन गवर्नमेंट अफसर्स को मारे जा रहे जो लोगों से रिश्वत लेते हैं। मारते चक्कू से हैं पर मारने से पहले एक स्पेसिफिक स्टाइल से अपने हाथों से ही उनको पैरालाइज करते हैं और एक चिट्ठी छोड़ के जाते हैं जिनमें वो अपना नाम लिखते हैं हिंदुस्तानी। इस केस को इन्वेस्टिगेट करके CBI ऑफिसर कृष्ण स्वामी, वो हैंड राइटिंग और पैरालाइज करने की वो स्पेसिफिक टेक्निक जिसे कहते हैं वर्मकलाई विद्या, इस विद्या के प्रयोग से मनुष्य मूर्छित हो सकता है, कोई भी शरीर वाला हिस्सा सुन्न हो सकता है, वाणी बंद हो सकती है, सांसों को भी रोक सकते हैं। पता लगा लेते हैं किलर कोई 70-80 साल का बूढ़ा इंसान है। मर्म कला तो बड़ी पुरानी कला है। कृष्ण स्वामी कंप्यूटर रिकॉर्ड से पता लगा लेते हैं कि सेनापति ही किलर है। वो एक डिस्गाइज लेके सेनापति के घर पहुंचते हैं, उनकी वाइफ से बातें करते हैं। तब हमें सेनापति का बैक स्टोरी पता चलता है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे। वो फ्रीडम फाइटर तो थे ही और इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय सुभाष चंद्र बोस के मेंबर भी थे। उनका एक फ्लैशबैक बताते हैं, वो कैसे अंग्रेजों से लड़े, वो कैसे अपनी वाइफ से मिले, सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, वो कैदी बनकर रहे। सेनापति घर आते हैं, कृष्ण स्वामी और सेनापति का पहला फेस ऑफ होता है, पर सेनापति वार्मकलय विद्या का इस्तेमाल करके कृष्ण स्वामी को टेम्पररी पैरालाइज करके वहां से भाग निकलते हैं। इस दौरान ये रिवील होता है कि सेनापति है चंदू के फादर। जी हाँ दोस्तों, चंदू जो है कमल हसन और चंदू के फादर सेनापति वो भी है कमल हसन। डबल रोल है भाई कमल हसन साहब का। और जो कमाल की एक्टिंग की है, आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों सेम इंसान है। तो है
सेनापति एक न्यूज कवरेज के लाइव टेलीकास्ट में एक डॉक्टर का मर्डर करते हैं और ये रिवील करते हैं बैक स्टोरी के साथ कि कैसे उन्होंने उनकी बेटी को बचाया नहीं था, बचाने से पहले वो 500 रुपए रिश्वत मांग रहे थे। उनकी बेटी चंदू की बहन किचन में आग लगने की वजह से फायर एक्सीडेंट में थर्ड डिग्री बर्न से सफर कर रही थी। डॉक्टर ने ठीक करने से पहले रिश्वत मांगा, इसलिए जी 500 रुपए। पुलिस ऑफिसर ने फायर लिखने से पहले रिश्वत मांगा, हवलदार के हाथ में 250 रुपए दे दीजिए। एक और गवर्नमेंट ऑफिसर ने लेटर देने से पहले रिश्वत मांगा, आपको अभी चाहिए तो 150 रुपए। उन्होंने एक को भी रिश्वत दिया नहीं। मेरे पास पैसे हैं, दे सकता हूँ, गरीब का क्या होगा, गरीब मरा तो क्या, जिया तो क्या। और उस वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई। सिर्फ 500 फेंक देते तो कस्तूरी को बचा लिया होता। देश का नाश कर रही है, रिश्वत लेना भी जुर्म है और देना भी जुर्म है, ये सब लोग जान रहे हैं, इसलिए वो लाइव टेलीकास्ट में उस डॉक्टर का मर्डर कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स चंदू को ट्रैक करते हैं कि कहीं वो अपने बाप को मिलने जाएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। मीनवाइल चंदू आरटीओ में ब्रेक इंस्पेक्टर बन चुका है। रिश्वत खा के उसने एक बस को परमिट दे दिया, ये जानते हुए कि वो चलने की कंडीशन में नहीं है। और कुछ दिनों बाद ब्रेक फेल की वजह से उस बस का एक्सीडेंट हो जाते और बस में 40 बच्चे मारे जाते हैं क्योंकि वो एक स्कूल बस होती है। चंदू वहां पहुंच के पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश करता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताने को कहता है कि ड्राइवर दारू पी के स्कूल बस चला रहा था। पर हिंदुस्तानी सेनापति वहां पहुंच जाता है और वो अपने खुद के बेटे को मारने जाता है। आपका बेटा हूं मैं। पर कृष्ण स्वामी और पुलिस ऑफिसर्स चंदू को ट्रैक कर रहे थे तो वो सही टाइम पे आके सेनापति को अरेस्ट कर देते हैं। सेनापति को अरेस्ट किया, जेल में भी रखा, पर वो जेल से भी भाग निकले। और ट्विस्ट ये है कि कृष्ण स्वामी ने ही उनको जेल से भागने में मदद की, क्योंकि कृष्ण स्वामी को ये पता चला कि कुछ गवर्नमेंट अफसर सेनापति को मार देना चाहते हैं, कोर्ट में पहुंचने से पहले ही एनकाउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी इतना सपोर्ट कर रहे हैं सेनापति को और वो कहीं भी रिश्वत किसी को नहीं दे रहे हैं। कृष्ण स्वामी कहते हैं एनकाउंटर कराना भी गलत होगा, मेरा काम है तुम्हें सही सलामत कोर्ट पे पहुंचाना, इसलिए वो उन्हें छोड़ा देते हैं पर हथकड़ी बांध के उनको अपने घर पे रखते हैं। पर सेनापति हथकड़ी तोड़ के उनके घर से भाग निकलते हैं, एक्चुअली जला के। सपना, ऐश्वर्या और चंदू की मम्मी चंदू को वहां से भाग जाने को कहती है क्योंकि सेनापति उसे मार डालेंगे। चंदू एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और सेनापति उनके घर आ जाते हैं चंदू को मारने, और कोई बता नहीं रहा कि चंदू कहां है। तभी एयरपोर्ट से कॉल आता है कि फ्लाइट 1 घंटे डिले है, तो वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और एयरपोर्ट में रनवे में चेस सीन ऑफ सेनापति एंड चंदू, और एट द एंड सेनापति और चंदू दोनों एक ब्लास्ट में खत्म। कृष्ण स्वामी को एयरपोर्ट पे हुए एक्सप्लोजन की फुटेज देख के ये पता चलता है कि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन सेनापति वहां से निकल चुके थे। और तभी कृष्ण स्वामी को सेनापति फोन करते हैं जो अभी हांगकांग में है, और वो उन्हें कहते हैं कि हिंदुस्तानी अभी जिंदा है और जब भी जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तानी वापस आएगा। जहां भी अन्याय होगा मैं वहां जरूर आऊंगा। और वो वापस आ रहा है दोस्तों 12th जुलाई को हिंदुस्तानी 2 इन थिएटर्स, 1996 में फर्स्ट पार्ट, हिंदुस्तानी 1 के बाद 2024 में 28 साल बाद पार्ट 2 में कमल हसन साहब और एस शंकर की ये फिल्म देखने में मजा आएगा। गांधी के रास्ते में तुम, नेताजी के रास्ते में मैं। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर ये रीकैप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और रीकैप्स, रिविजिट्स, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेफाइल। बाय बाय।